वो औरत आपकी माँ है क्या? हाँ, मेरा मतलब है माँ की तरह है। तू उस वक्त कहाँ थी और तुझे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? मामी जी वो माँ वो आप मेरी फ्रेंड रितु को जानती है ना, मैं उससे मिलने गई थी। तुम नशे की हालत में थे इसीलिए दीदी जीजाजी तुम्हें यहाँ ले आए। ये भी प्रियंका के साथ मिल गया है। तुम्हें तुम्हारी पोजीशन मिलेगी, तुम सिर्फ मेरा साथ देते जाओ। दीदी, दीदी मैम, बहुत पैसे मिलने लगे हैं ना तुझे आजकल, जो इस तरह नशा करके लुटाता फिरता है। तुझे पता है तेरी वजह से आज मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई है? तुझे कैसे पता होगा, तुझे तो खुद का ही होश नहीं था। पता है अगर उस वक्त हम लोग वहां नहीं होते तो वो होटल वाला तुम्हें सड़क पे लाके पटक देता। जरा सोच, मां और डैडी को ये पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ये ऐसा करके तू उन्हें बहुत खुशियां दे रहा है क्यों? दीदी, I'm sorry. ला मुझे फोन दे, फोन दे मुझे। ये सब करने के लिए तुझे प्रियंका पैसे देती है ना, फिर मैं उसे फोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि वो चाहती क्या है। नहीं नहीं दीदी प्लीज, भाभी को फोन मत कीजिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पैसों की जरूरत तो मुझे रहती है, अगर उन्हें पता चलेगा तो। उसे पता चलना ही चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि कैसे तू उसके दिए हुए पैसों से जिंदगी बर्बाद कर रहा है अपनी। दीदी प्लीज फोन मत कीजिए। दीदी तुझे पता है घर के हालात क्या है? अनिशा और कमल घर छोड़ के चले गए हैं, माँ पहले से ही परेशान है और ऊपर से तू अपनी कहानी लेके बैठा है। प्लीज आई एम सॉरी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं मैं ऐसा नहीं करूंगा। सारा तो भाई को देना चाहिए, लेकिन मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि मेरी बहन मुझे सहारा दे रही है। अरे तू तो मुझसे छोटा है ना, तो फिर अगर तू मुसीबत में है तो क्या मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगी? तूने मेरी बात मान ली तो उससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? मेरे भाई में बहुत शक्ति है, वो ऐसी बेजान चीजों का गुलाम नहीं हो सकता। मैं नहीं करूंगा। आओ आओ बाबा आओ, मेरा नाम है बाबा लालवानी और लालवानी आपको ऐसा मकान दिखाएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ। देखो ये देखो, ये है ड्राइंग रूम, पूरा फर्नीचर के साथ में, एसी भी है, बड़ी फोन भी है, और हाँ बाबा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको भरना पड़ेगा। हाँ, और इधर क्या है, सर्दी हो गर्मी हो 24 घंटा बारिश ही बारिश है। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब है 24 घंटा पानी है। अच्छा। हाँ, और बाबा दूसरा क्या है, सोसाइटी का जो बिल आएगा ना वो आपको रखना पड़ेगा। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है वो भरेगा मकान मालिक ही, आप खाली संभाल के रखना। अच्छा। और बाबा उधर किचन है, उधर पूरा लाइट का कनेक्शन वनेक्शन सब कुछ है। हाँ, और उधर है बेडरूम, आओ मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ। आओ आओ बाबा आओ, देखो अच्छो बना अच्छो, ये है बेडरूम, आ जाओ अच्छो अच्छो अच्छो। और देखो ये बाबा इधर है खिड़की, इधर भी खिड़की उधर भी खिड़की, हवाई हवा चारों तरफ से, एयर कंडीशन का जरूरत नहीं है। और आपको बाबा एक खास बात बताता हूँ मैं, आपके पहला जो इधर रहने को आया था ना, आपको मालूम है खाली क्या लेके आया था? खाली दो सूटकेस, और इधर पूरा 3.5 साल रहा, और जब इधर से वो गया ना वो अपने मकान में गया। और मैं तो बोलता हूँ बाबा आप भी ऐसा अपने मकान में ही जाएंगे। लालवानी जी ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत कम बोलते हैं? बाबा यही तो एक बात सब लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत बहुत ही कम बोलता हूँ, क्या करूँ बाबा मेरे को बोलने आता ही नहीं है।
और बाबा हाँ ये रहा आपका चाबी, ये लो ये वादा ही वादा ही था। कैसा वादा? हाँ मेरा मतलब है आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छा हाँ थैंक यू ओके थैंक यू। अब हम दोनों इस छोटे से आशियाने में बहुत खुश रहेंगे। हम दोनों नहीं, हम तीनों। अपने आने वाले नन्हे मेहमान को कैसे भूल गए? हेलो। हेलो कमल, मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखो कमल, ऑफिस में जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ हूँ कि मैं अपने आपे से बाहर हो गया और गुस्से में न जाने मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। देखो आई एम रियली वेरी सॉरी। कहते तो आप बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन हाथ आपने पहली बार उठाया था। हाँ कमल, मैं मानता हूँ कि मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन कमल मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो और तुम और अनीशा घर वापस लौटा। जो हो नहीं सकता है उसके बारे में मैं बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हारे विशाल भैया का फोन था, ऑफिस के अकाउंट में से पैसे चोरी करने का आरोप मुझ पे लगा रहे। क्या? उन्हें लगता है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं उन्हीं पैसों में से दे रहा हूँ। भैया इतनी नीच हरकत पर भी उधर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। खैर जाने दो कमल, हमने घर छोड़कर बिल्कुल सही फैसला किया है। सही फैसला किया ना? माँ आपने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। माँ आप मुझसे नाराज हैं? शायद इसकी वजह तुम जानती हो, लेकिन माँ ये सही नहीं है। तुम मेरी जगह पे होती तो जानती कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन माँ मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। वो तो क्या ना, राकेश की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैं उसे उस हालत में छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसीलिए देखभाल के लिए रुक गई। लेकिन माँ मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है बेटी, पर मैं जमाने को कैसे विश्वास दिलाऊंगी। हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा प्लीज। अच्छा चल तेरे लिए नाश्ता बनाते। अब मैं अपनी बात क्या करूं पूजा, एक तुम ही तो हो जो मेरे जख्मों पर मरहम लगाती हो, वरना मेरी जिंदगी में एक तरफ है प्रियंका जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है मुझे बर्बाद कर देना, और दूसरी तरफ है कमल, वो जलील इंसान जिसने उस दिन एक तो खुद मेरे साथ बदतमीजी की और फिर घर जाकर घर वालों को इस तरह मेरे खिलाफ भड़काया कि अनीशा उसके साथ घर छोड़कर चली गई। वो जो मेरी बुआ का बेटा है नरेंद्र, प्रियंका ने अब उसे भी अपने चंगुल में फंसा लिया है। और रहा माँ और पिताजी का सवाल, उनका तो मेरे ऊपर से विश्वास ही उड़ गया है पूजा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। विशाल इस तरह हताश और निराश होने से सिर्फ मायूसी मिलेगी तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ हूं विशाल, चाहे कुछ ही लम्हों के लिए, लेकिन वो लम्हे भी मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है विशाल,
और ये भी एहसास है कि इस वक्त तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। इस वक्त मुझे सचमुच तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन जानती हो मैंने भी एक फैसला किया है। अब तक इस जंग में दुश्मन मेरे ऊपर वार करते थे और मैं सिर्फ अपने आप को बचाता था, लेकिन अब मैं वार करूंगा। जिस तरह दुश्मन मेरे खिलाफ चाले चलता आया था, अब मैं चाले चलूंगा। रूबी, रूबी ये क्या है? ये फाइल मैंने कब से तुम्हारे पर टेबल पे रखी थी, अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। I want to send this tenders tomorrow. अभी हो जाएगी सर। टंडन साहब को ये फाइल पहुंचा दीजिएगा। टंडन साहब को बोलिएगा ये सब मेरे टेबल पर कल सुबह तक रेडी होने चाहिए, ओके? जी सर। And that's final, understand? संभालो इसको। Yeah. It has to be done. हल्ला नहीं रहे। ए, कौन है आप लोग? कोई आवाज नहीं रहे, चल इधर। देखिए भाई साहब, हल्ला ना, भेजा उड़ा दूंगा। चल चल, ये आवाज नहीं, आवाज नहीं बोला ना तेरे को। देखिए आप लोग, बिल्कुल आवाज नहीं रहे। इधर आ, चल इधर। कोई नहीं पुलिस कैसे हो गया? हम तो बीच में नहीं पड़ेंगे। लगता है तो मर गया। प्रियंका, आज पता नहीं क्यों अनीशा की बहुत याद आ रही है। ऐसे नाजुक वक्त में जबकि उसे हम सब की जरूरत है, इस घर की जरूरत है, वो हम सबको छोड़कर हम लोगों से दूर चली गई है। फोन करो तो कोई जवाब भी नहीं देता है। पता नहीं वो दोनों कहां होंगे, किस हालत में होंगे। डैडी आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों जहां होंगे खुश होंगे और ठीक होंगे। आखिर विशाल को ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि विशाल इतना बदल जाएगा। प्रियंका से उसे नफरत है, कमल से उसको चिढ़ है, शेखर से भी उसकी अनबन रहती है, और आज तो उसने नरेंद्र पर भी हाथ उठा दिया। आखिर ये विशाल को क्या होता जा रहा है? डैडी, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रही है कि उनके दिल में मैं आप सब लोग के लिए चाहत पैदा कर सकूं, चाहे मुझे नफरत मिले। डैडी, विशाल बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं। लेकिन डैडी आप फिक्र मत कीजिए, मैं
मैं इस घर में चाहत का पैगाम लेके आई हूँ। चलो अच्छा है, किसी ने तो मेरी जगह ली। मैं तो हमेशा सबको जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं सब दूर दूर क्यों रहते हैं। विमला, प्रियंका तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ भैया, मेरे जैसा त्याग सबके बस की बात थोड़ी ना है। हाँ, मैं प्रियंका की बात कर रहा हूँ और तुम बीच में अपना राग लगाने लगी। बेटी, मुझे तुम्हारी सोच पर बहुत गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि चाहत और मोहब्बत की ठंडी हवा का झोंका जो तुम लाओगी, उससे सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, रघुराज जी। हाँ भाटिया साहब, अभी अभी ऑफिस में विशाल बाबू ने कुछ गुंडे भेजे थे। क्या? हाँ, वो कह रहे थे विशाल बाबू के आदमी है और वो नरेंद्र को मारकर चले गए। उन्होंने नरेंद्र को बहुत पीटा, पुलिस भी आई थी साहब, और पुलिस नरेंद्र बाबू को हॉस्पिटल ले गई है। लो, साहबजादे ने घटिया हरकत और कर दी। भैया, किसकी बात कर रहे हैं आप? विशाल के बारे में बात कर रहा हूं, और किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? उसने ऑफिस में गुंडे भेजकर नरेंद्र को पूरी तरह से पिटवाया है। बेचारा बहुत जख्मी है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, ये कैसी कलयुग की माया है? भैया भैया, विशाल ने ये ठीक नहीं किया। अरे बड़े भाई होने के नाते वो नरेंद्र को समझा सकता था, गुंडों से मिटवाने की क्या जरूरत थी? अरे नरेंद्र ने आज तक एक चींटी तक को नहीं मारा और विशाल ने ये हरकत कर दी। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। ये घर है या पागल खाना, मौत को छोड़ के सब हाजिर हो चुके हैं। बंद करो ये बकवास। जो मुंह में आता है बके चली आ रही हो तुम। विशाल को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले हॉस्पिटल चलो। अब तक छाती पीट पीट कर पूरी दुनिया को बताने का इरादा है, चलो। नरेंद्र मेहरा कौन से वार्ड में है? वार्ड नंबर 12। 12? आप तो चाहिए आगे। आप लोग अंदर नहीं जाएं। देखिए ये पुलिस केस है, आप थोड़ा यहाँ बाहर इंतजार कीजिए। कमाल है, मेरा बेटा अंदर तड़प रहा है और आप मुझे रोक रहे हैं? ये कैसा कानून है भैया? विशाल ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। नरेंद्र को पिटवा के उसने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो उसकी सूरत से नफरत है। अगर नरेंद्र ऐसा करता तो बस करिए। ये घर का मामला है, घर में रहने दीजिए। बेहतर यही होगा कि हम ये आपस में सॉल्व कर दें। वैसे भी सबको ये बात पता चल गई है, वो अगर नरेंद्र ने विशाल के खिलाफ बयान दिया तो विशाल को जेल भी हो सकती है। बेहतर यही होगा कि नरेंद्र हमारी बात मान ले और ये केस वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। अब मैं काम करती हूँ, इंस्पेक्टर साहब को मनाने की कोशिश करती हूँ कि हम अंदर जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जरा एक मिनट प्लीज। कहिए। अब नरेंद्र का बयान लिए बगैर आप किसी को अंदर जाने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। समझ गए जी। एक्सक्यूज मी सर। बेटी, क्या कहा इंस्पेक्टर ने? वो नहीं मान रहे हैं। क्या होगा जी? सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। भगवान पे भरोसा रखिए प्लीज।